बैंक से मुलाकात में दिया कोरोना उपचार पर जोर, कोविड केयर सेंटर में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराने की मांग। भाजपा विधायक गणेश नाइक ने सोमवार को एक बार फिर मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की और कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के हालात पर चर्चा करते हुए नवम्बई को कोरोना मुक्त कराने मनपा आयुक्त को जरूरी सुझाव भी दिए। अपनी पिछली मांगों पर क्या कार्यवाही हुई उस पर चर्चा के बाद गणेश नाइक ने मनपा द्वारा किए गए इंतजामों पर संतुष्टि जताई। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े कोविड केयर सेंटर खड़े कर देना और उसमें ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर उपलब्ध करवा देना कोई बड़ी बात नहीं है, यदि उसे चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स और नर्सेस का स्टाफ ही उपलब्ध नहीं कराया जाता है। उन्होंने आयुक्त अभिजीत बांगर को सुझाव दिया कि राज्य के स्वास्थ्य सचिव की मदद से जिन राज्यों में कोरोना के केसेस कम हैं वहां से चिकित्सा स्टाफ मंगवाया जाना चाहिए, जिससे यहां के स्टाफ पर दबाव कम होगा। आज जो चर्चा उसमें रेजा का जो इलाका है वहां पे इनर्सन, उसमें क्वारंटाइन सेंटर की वहां पे शुरुआत हुई है, उसमें ऑर्डिनरी बेड रहेंगे, ऑक्सीजन बेड रहेंगे और वेंटिलेटर भी रहेंगे। और वहाँ पे मैंने जो आखिरी में बोला कि अपने यहाँ पे तज्ञ लोग नहीं है तो बाहर से मंगाइए, अपने इस इलाके में जो है जो डॉक्टर यहाँ काम करना चाहते हैं उनको ज़्यादा पगार दे के यहाँ पे उनको काम पे लगाओ, और वो सुधारना हो रही है। अभी बात ऐसी कि पोस्ट कोविड यानी कोविड के लिए जो उपाय कर रहे हैं, कोविड ने क्या है कि एंटीबायोटिक ज़्यादा दिए, जिसको किडनी की बीमारी है ऐसे पेशेंट को दवा दी जाएगी तो वो किडनी पे ज़्यादा असर होगा, लंग्स पे असर होगा, लीवर पे असर होगा, मतलब उसकी बीमारी और बढ़ने वाली है। वो कोविड के माध्यम से नहीं मरता है, वो किडनी फेल के माध्यम से मरता है। तो ये स्थिति में वो बैलेंस करने के लिए उनको बताया गया है। और जो व्यसनाधीन जो कोई पेशेंट है कि जिसको गुटखा गांजा चरस शराब की आदत है, ऐसे पेशेंट को यदि शराब वगैरह उनका जो कुछ लेने वाले सेवन करने वाली चीज़ें नहीं मिलती तो उनका माइंड इम्बैलेंस हो जाता है और उसका असर और पेशेंट को हो जाता है। तो उनको सेपरेशन करने के लिए हमने बताया है और वो लोग डिविजन अलग कर रहे हैं। बता दें कि अब तक लोक नेता गणेश नाइक मनपा आयुक्त के सामने कोरोना मरीजों के लिए वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड और उपचार औषधियों को उपलब्ध कराने जैसी तमाम मांगे रख चुके हैं। उन्होंने कहा कि शुरुआत में एपीएमसी मार्केट से कोरोना संक्रमण बढ़ा था और उसे बंद करना पड़ा था। दोबारा एपीएमसी के कारण कोरोना न बढ़े इसलिए महानगर पालिका को वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के उपाय बनाए, वरना फिर एक बार वहाँ संक्रमण बढ़ सकता है। उन्होंने बताया कि वाशी के मनपा अस्पताल में 2 ओपीडी सेंटर चालू कर दिए गए हैं और उम्मीद है कि सितंबर के अंत तक वाशी का अस्पताल कोविड फ्री हो जाएगा और उसे सामान्य मरीजों के लिए खोल दिया जाएगा। काही काही वेळेला माणसाला आपल्या कर्तव्याचा विसर पडतो। आपल्याला आठवत असेल की एपीएमसी बंद करा आणि एपीएमसी मध्ये ऑक्सिजन लेवल घ्या, त्यांचे एकूण त्यांना टेम्परेचर किती हे तपासून बघा, सोशल डिस्टन्स, हँड वॉशिंग अशा प्रकारचे प्रकार केले। परंतु आता एपीएमसीमध्ये त्या ठिकाणी पुन्हा लोकांच्या मध्ये जो पूर्वीचा जो प्रभाव होता तो प्रभाव आस्ते आस्ते कमी होत चाललेला आहे आणि म्हणून एपीएमसीमध्ये पुन्हा एकदा त्यांना बूस्टर इंजेक्शन देण्यासाठी आम्ही सुचवलेलं आहे। एपीएमसीमध्ये जर त्या ठिकाणी पुन्हा जर लिथार्जिकपणा केला गेला तर पुन्हा तिथून प्रादुर्भाव होऊ शकतो आणि त्या अनुषंगाने ते कारवाई करतात असं त्यांनी म्हटलेलं आहे। बता दें कि भाजपा विधायक गणेश नाइक की मनपा आयुक्त से 9वीं मुलाकात है। वे लगातार प्रशासन को जगाने में जुटे हैं। उनके साथ पूर्व विधायक संदीप नाइक, पूर्व मेयर जयवंत सुतार, दशरथ भगत और अनंत सुतार समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।